सांसदों के निलंबन के विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी ने सांसदों के निलंबन को संविधान के लिए खतरा बताया है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में पूर्व विधायकों के साथ खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुंचे। यहां पहुंचकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ है। उन्होंने निलंबन को संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। सपा का यह भी कहना है कि सांसदों का निलंबन षड्यंत्र के तहत किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने जल्द ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो सदन में लोकसभा में जो हमारे इंडिया गठबंधन के लगभग 146 सांसद जिन्होंने जनता की आवाज़ को जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सदन में आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने हमारे लगभग 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया है और ये बदले की भावना से सांसदों को लंबित किया गया है। आज हम सभी समाजवादी लोग जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ खिरनीबाग जियाशी मैदान में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम लोग सभी समाजवादी लोग कर रहे हैं। और हम सभी लोग जो सदन में सदन की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 146 सांसदों का निलंबन बदले की भावना से कर जो सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम किया है, लोकतांत्रिक संवैधानिक जो असंवैधानिक तरीके से उनको जो निलंबित किया है और संविधान की खुली धज्जियां उड़ाने का जो काम किया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, आज उसी संबंध में हम सभी समाजवादी लोग यहाँ खिरनीबाग जियाशी मैदान में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर और उनको बहाल करने की, माननीय सांसदों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये इस कार्यक्रम आज हो रहा है जनपद शाहजहांपुर में। हम सभी समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आगे समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो दिशा निर्देश होगा, समाजवादी लोग कभी संघर्ष से पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है। हम सभी लोग सड़कों पर निकलेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आर पार की लड़ाई जुल्मी, तानाशाही और किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।